साथियों, सुगम हिंदी दो के अंतर्गत आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर बातचीत शुरू करेंगे। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला के नाम से ही संभवतः जानते होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला इनका उपनाम है। तो हम अगर आपसे निराला कहें या सूर्यकांत त्रिपाठी कहें तो दोनों एक ही व्यक्ति का नाम आप समझेंगे। इस पाठ को या पाठ्यक्रम के इस पाठ को पढ़कर आप निराला के जीवन से परिचित हो पाएंगे और साथ ही निराला के साहित्यिक जीवन या उनके लेखन से परिचित हो पाएंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निराला का जो साहित्य है या उन्होंने उनके साहित्य का संबंध किस तरह की परिस्थितियों में हुआ, परिस्थितियों से है, या एक रचनाकार किस तरह की परिस्थितियों में रहकर लिखता है, या उनकी लेखन उनकी कविता की उपज किस तरह की पृष्ठभूमि में हुई, इसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह देखने की कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला किस युग के अंतर्गत आते हैं और उस युग की प्रवृत्तियां क्या थी, उसके साथ निराला की कविताओं का या उनके साहित्य का क्या अंतर संबंध है, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ और 1899 ईस्वी जिस समय में निराला का जन्म होता है वो असल में हिंदी के आधुनिक काल के का दौर है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का दौर है और उस दौर का साहित्य असल में एक तरह की संक्रमण काल की स्थिति से होकर गुजर रहा था। एक तरह भाषा सुधार की बात हो रही थी, साथ ही साहित्य का जो स्वरूप था, साहित्य का स्वरूप मतलब कि जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था उसमें परिवर्तन की लगातार मांग हो रही थी। आप देखेंगे कि 1885 और 87 के आसपास का जो समय है वो असल में एक तरह का भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। वो भारतेंदु युग असल में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का एकदम प्रारंभिक सब युग है जहां पर हिंदी साहित्य में एक तरह से परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन असल में एक तरह से वैज्ञानिक तार्किक तरह की चीजें वहां पर आने लगी, इसलिए साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में कैसे मैंने केवल और केवल साहित्य का स्वरूप ही नहीं बदलता बल्कि भाषा सुधार या भाषा के मानकीकरण की बात भी आती है। तो 1920 और या 18 के आसपास द्विवेदी युग की समाप्ति की तरह से घोषणा होती है। या तो हम यह भी जानते हैं कि किसी भी काल या किसी भी काव्य धारा की समाप्ति एकाएक नहीं होती या खट से नहीं हो जाती बल्कि उसके अवशेष आगामी या परवर्ती कालों में भी रह जाते हैं, भले ही उन प्रवृत्तियों या उन धाराएं जो होती हैं वो पतली हो जाती है या उनको उस तरीके से हम उस प्रवृत्तियों की पहचान नहीं कर पाते। तो 1918 के बाद का जो हिंदी साहित्य में जो काव्य की जो धारा है उसको हम छायावाद कहते हैं। इस छायावाद का गहरा संबंध पश्चिम के साहित्य या अंग्रेजी साहित्य रोमांटिसिज्म से है, जिसको हम लोग स्वच्छंदतावाद कहते हैं। स्वच्छंदतावाद मतलब कि एक तरह से हर एक चीज पर आपकी अभिव्यक्ति में जो तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हैं, जो एक तरह से प्रतिबंध है, जो एक परतंत्रता है, उस परतंत्रता से मुक्ति, आपकी अभिव्यक्तियों में शास्त्र के द्वारा जो परतंत्रता है, आपके आपकी कहने के तरीके में जो एक तरह के शास्त्र का हस्तक्षेप है, इन सारी चीजों से मुक्ति का से इसका संबंध है। तो एक तरह से क्या है कि व्यक्ति ने अपने को या कवि को अपने जीवन को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिला था,
स्वतंत्रता या छायावाद के पूर्व, तो उसके पूर्व क्या था कि हम किसी नायक, किसी चरित्र या किसी पात्र के द्वारा अपनी बात कहते थे, कवि अपनी बात कहता था। तो छायावाद में आकर क्या हुआ कि कवियों ने अपने जीवन के अनुभवों को, अपने अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना शुरू किया। तो यह एक तरह का छायावाद असल में व्यक्तिवादी साहित्य है, जहां पर व्यक्तित्व प्रबल है, मैंने कवि अपने बारे में कहता है, मैं शैली अपनाई, मतलब कवि अपने बारे में कह रहा है, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि छायावाद में प्रकृति चित्रण है या मुक्त छंद है ना, मुक्त छंद मतलब कि छंद एक तरह का पैरामीटर है ना, एक कविता कहने का कि एक शर्त है, कसौटी है कि कविता ऐसी होनी चाहिए, उस पैरामीटर को तोड़ा छायावाद के कवियों ने, निराला इसके अगुवा थे। तो निराला के ने एक तरह से मैंने क्रांति लाई थी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी कवि के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि 1914 में विश्व का एक मैंने विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसकी समाप्ति 1918 के आसपास होती है। 1918 के आसपास जब भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत को सहायता दी, माने वो भारत एक तरह से इंग्लैंड के पक्ष में विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो वहां से जो लौटे सैनिक थे उन्होंने अपने साथ स्पेनिश फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा भी साथ में लेकर आए थे, वो एक तरह से एक वायरस था, उस वायरस की चपेट में भारत के लोग भी प्रभावित हुए थे, उससे संक्रमित हुए थे, उससे बीमार हुए थे, और उससे उनकी पत्नी और उनकी बेटी सरोज भी प्रभावित हुई, उससे वो उस बीमारी से, उस इन्फ्लुएंजा से रोगग्रस्त हुई थी, और जिसके कारण अकाल मृत्यु होती है उनकी बेटी सरोज की। और सरोज की मृत्यु के बाद निराला ने पिता कि जो बेचैनी है, उनका दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कविता की शक्ल में उसको अभिव्यक्त किया था। हिंदी की महानतम शोक कविता सरोज स्मृति के रचनाकार, उस कविता का संबंध असल में उसी इन्फ्लुएंजा से है, उसी सरोज की मृत्यु से है। सरोज की मृत्यु के बाद पिता की जो वेदना है उसको कविता की शक्ल में वह क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, निराला को हम असल में कवि, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में याद करते हैं। हिंदी साहित्य में निराला की का अवदान उनकी कविता को लेकर है, इसलिए निराला के द्वारा रचित जो कविताएं हैं उन कविताओं के संग्रहों पर भी बात करनी बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में तकरीबन 14 उनके कविता संग्रह है, कविताओं की के संग्रह है, जिसमें उनका पहला काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका 1939, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, वो इन ये दोनों कविता अनामिका में ही संकलित है। तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अनामिका 1943, बेला 1943, नए पत्ते 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, अपरा जो उनके संकलन है, इन कविता संग्रहों के रचनाकाल को अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि 1936 के बाद भी निराला के काव्य कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि निराला केवल और केवल छायावाद के कवि नहीं है, बल्कि छायावाद के प्रवृत्ति युग के बाद का युग, जिसको हम हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, उस काल के भी कवि माने जाते हैं। मतलब कि उन्होंने हर माने छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीन काल खंडों के अंतर्गत कविताएं लिखी हैं। उन्होंने उनके जो प्रमुख उपन्यास है, जिन उपन्यासों को हिंदी साहित्य
एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रृंखला के रूप में याद करता है। उनके प्रमुख उपन्यास है अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भट्ट 1939, बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1943, काले कारनामे 1940, जो कि अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रहों की बात करें तो लीली 1934, सखी 1955, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945 माफ कीजिएगा, ये चतुरी चमार असल में जो 1935 का जो वाला जो कहानी संग्रह है सखी, उस संग्रह की कहानियों का ही इस वर्ष उन्होंने पुनः प्रकाशन किया। निबंध संग्रहों में हम देख सकते हैं कि रविंद्र कविता कानन जो कि 1929 में है, प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चंचल 1954, संग्रह 1963। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं की कृतियों का अनुवाद किया, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी के बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद किया, जिसमें संस्कृत से या हम कह सकते हैं अवधी भाषा की महानतम कृति रामचरितमानस का अनुवाद का जो विनय खंड है उसका अनुवाद उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में किया, आनंद मठ बांग्ला का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया, दुर्गेश नंदिनी इन उपन्यास या इन कृतियों का अनुवाद उन्होंने किया। इस कड़ी में हम देखेंगे कि निराला, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से खासे प्रभावित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन महानतम विभूतियों के विचार को, उनके चिंतन को अपनी रचना में समाहित किया है। और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि निराला कवि के रूप में बेहद याद किए जाते हैं, इनकी प्रमुख और बेहद चर्चित कविताओं में से हम देखेंगे कि सरोज स्मृति है, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, तुलसीदास ऐसी कविताएं हैं। इस महानतम छायावादी कवि की मृत्यु जो है वो 15 अक्टूबर 1931 इलाहाबाद यूपी में होती है। तो इस तरीके से हमने छायावाद के महत्वपूर्ण कवि, जिसको एक तरह से एक स्तंभ के रूप में हम साहित्य जिनको याद करते हैं, उस कवि निराला के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन छायावाद के साथ या छायावाद की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले इस महानतम कवि के बारे में जाना, निराला के बारे में और विस्तार से आप जाने, इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद। Thank you.